यही मुंह जो है पान खिलाता, यही मुंह बात सुनवा देता। आप क्या बोल दिए थे कि भैया देखिए यही समर सिंह है जो हमेशा सुख के घड़ी में आकांक्षा जी के साथ में रहता था, केक काटता था, खाता था, ही नाची हारता था। आज के डेट में सारा वीडियो डिलीट कर दिया, भागल चल रहा। काहे भाग रहे हो? कांक्षा दुबे की जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है दादा, उसमें ये कहा गया है कि मर्डर की शंका नहीं जता रही है, पोस्टमार्टम में किसी तरह के चोट की कोई निशान भी नहीं पाए गए हैं। क्या समर सिंह मेंटली हरासमेंट कर रहा था? अब जाने समर सिंह आएगा तो ना, हम यही ना मांग कर रहे हैं, हम यही ना जांच बैठा रहे हैं। ये इसको गिरफ्तार करवा रहे, उसको गिरफ्तार करवा रहे, उसको ठेलवा रहे, क्या जरूरी है? ए भैया, हम ना मर्द नहीं है, चूड़ी नहीं पहने हैं, ठीक ना? मर्द है, आवाज उठाएंगे आजीवन। लेकिन अब हमारा विषय यहाँ आकांक्षा जी का नहीं है, विषय है समर सिंह जो प्यार करता था, जो इसके सुख में हमेशा साथ था, दुख के घड़ी में आज काहे नहीं साथ है। ना तो ट्रेंडिंग स्टार है, ना पावर स्टार है, ना छोटका स्टार है, ना बड़का स्टार है, कहाँ गेली सब स्टार? भोजपुरी की उभरती हुई अदाकारा आकांक्षा दुबे की मौत कुछ दिन पहले हुई थी। आप सभी जानते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई है। खबरों के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी मौत सुसाइड से हुई है। मतलब बनारस के एक होटल में कमरा नंबर 105 में पंखे से लटकने से मौत हुई है, ऐसा रिपोर्ट खबरों में आया है, ऐसा जो है पुलिस भी कह रही है। पुलिस आकांक्षा दुबे की जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें मर्डर की शंका नहीं जताई जा रही है, उनके शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं है। लेकिन अब आगे मामला क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन उनके इंसाफ के लिए, कि उनको इंसाफ मिले, एक्टर समीर चौधरी खड़े हो गए हैं, पुतला भी फूके हैं शायद से समर सिंह के, है ना दादा? तो जोहार और स्वागत है आपका। आपके भी चैनल पे जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये बताइए सबसे पहले कि आकांक्षा दुबे की मौत जो है कुछ दिन पहले हुई है सुसाइड की वजह से, और होटल के बनारस के एक होटल में कमरा नंबर 105 में वो शायद फंदा वंदा लगा के मर गई है, ऐसा बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में। अब उसके पीछे क्या है नहीं पता। आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार, सुपर स्टार, मेगा स्टार, फलानवा स्टार, ठिकानवा स्टार, कोई भी सपोर्ट में नहीं आ रहा है, कोई भी इंसाफ नहीं दिलवाना चाहते हैं। आपको क्या चूल मची है कि आप इंसाफ दिलवाना चाहते हैं? भैया बोला ना तो बहुत अच्छा लगल बा, भौकाल चैनल है जी, ऐसे ही हवा। देखा भैया, हमारा मुँह से निकल गए गलती से, होटल वाला बोल दिया था शराब उराब के विषय में, हमारा होटल वाला आदमी कहा कि शराब उराब के विषय में ऐसा कुछ बोला, तो पत्रकार महोदय आके हमको बोले कि आप बताइए आपका उनमें रिलेशन क्या था, तो बेबाक समीर चौधरी बोलता है और बोला गया, यही मुंह जो है पान खिलाता, यही मुंह बात सुनवा देता। आप क्या बोल दिए थे? थोड़ा सा बोला गया था, जो होटल वाला बोला शराब उराब पीता है, तो आपसी हम लोग का जो ट्यूनिंग था, आपसी जो हम लोग देखे थे जैसे आप बोले हैं उसमें कि वो नशा करती थी, दारू ड्रग्स ये सब, तो क्या ऐसा सत्य है ये? देखिए भैया, क्या सत्य है क्या नहीं है वो जाँच का विषय, अब वो हटाइए। तो अब यहाँ पे जाँच का विषय है कि आखिर में इंसाफ कौन दिलवाएगा? बड़े बड़े कलाकार, छोटे छोटे कलाकार आज के डेट में कहाँ है? ना तो ट्रेंडिंग स्टार है, ना पावर स्टार है, ना छोटका स्टार है, ना बड़का स्टार है, कहाँ गेली सब स्टार? समीर चौधरी अकेले खड़ा है, समर सिंह का पुतला हम इसलिए जराए हैं कि भैया देखिए यही समर सिंह है जो हमेशा सुख के घड़ी में आकांक्षा जी के साथ में रहता था, केक काटता था, खाता था, ही नाची हारता था। आज के डेट में सारा वीडियो डिलीट कर दिया, भागल चल रहा। काहे भाग रहे हो? आए, हो सकता हो कि वो डर लग गया होगा, आकांक्षा दुबे आत्महत्या कर ली होंगी, इस वजह से भाग रहे हो। ऐसा बात नहीं, अगर डर लग गया तो आपको आना ना चाहिए जी। आए, समाज के हमारे बड़ा बड़ा गायक, बड़ा बड़ा कलाकार सब कहाँ है, काहे ना अले, वो सबके आना ना चाहिए। आज हम अकेले खड़ा ही, अकेले खड़ा होकर आवाज़ उठा रहे हैं। हम यही नहीं, हम यहाँ से यूपी जा रहे हैं। हाँ, उनके माता जी को मैं चरण पकड़ के बोल रहा हूँ, चाची हम आवे थे, अगर आपको मारना होगा तो आप हमको मार लीजिएगा, लेकिन विषय यहाँ मार का नहीं है, विषय यहाँ इंसाफ दिलवाने का। अकेले खड़ा होकर हम इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं। प्रभात खबर में एक रिपोर्ट छपी है कि आकांक्षा दुबे की जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है दादा, उसमें ये कहा गया है कि मर्डर की शंका नहीं जता रही है, पोस्टमार्टम में किसी तरह के चोट की कोई निशान भी नहीं पाए गए हैं, पुलिस भी सुसाइड ही मान रही है, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? कहाँ दिक्कत, परेशानी आ रही है? सुसाइड जो होता है ये बहुत बड़का चीज हो जाता है। समर सिंह मेंटली हरासमेंट कर रहा था? अब जाने समर सिंह आएगा तो ना, हम यही ना मांग कर रहे हैं, हम यही ना जाँच बैठा रहे हैं, हम कहा यूपी जाए, तू चूल मच गया जैसे आप बोल रहे थे। हम चाह रहे हैं कि समीर चौधरी अकेले खड़ा होकर इंसाफ दिलाएगा। देखिए भैया, हम पुतला जराए थे भोजपुरी अश्लीलता के ऊपर, बहुत लोग आया, एक से एक को गाली देता था, गाली देकर व्यूवर्स कमाए, पैसा कमाए, इंसाफ कोई नहीं किया। समीर चौधरी अकेले एगो भोजपुरी पर नियम लगवा दिया, आज एगो को देखिए आप टेलवा भी दिए हैं। आज हम इंसाफ दिलाने निकले हैं समर सिंह जी, माने आकांक्षा दुबे जी को। समर सिंह का गिरफ्तारी होगा भैया, समर सिंह काहे भागा है, जांच का विषय। क्या जरूरी है ये सब के, आप था जो एक्टिंग का काम करते थे, एक्टिंग कीजिए, इसको गिरफ्तार करवा रहे, उसको गिरफ्तार करवा रहे, उसको ठेलवा रहे, क्या जरूरी है? ए भैया, हम ना मर्द नहीं है, चूड़ी नहीं पहने हैं, ठीक ना? मर्द है, आवाज उठाएंगे आजीवन। हाँ, जेकरा जो करना होगा कर ले हमारा साथ।
आकांक्षा दुबे आपके साथ एक फिल्म में काम भी किया है जी, तो उनका बिहेवियर कैसा था दादा? बहुत अच्छा। हाँ अब बताइए हमरा इन समझ में, आप मान ले शूटिंग वूटिंग करके आए, मान ली टेंशन में होगा तो थोड़ा सा हाई टोन लो टोन होता है, आपसी बर्तन ठन मन करे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमारा विषय यहाँ आकांक्षा जी का नहीं है, विषय है समर सिंह जो प्यार करता था, जो इसके सुख में हमेशा साथ था, दुख के घड़ी में आज काहे नहीं साथ है, रहना ना चाहिए। पुलिस कह रही है कि समर सिंह और आकांक्षा दुबे रिलेशनशिप में थे लेकिन कुछ समय पहले उनका ब्रेकअप हो गया था। देखिए ब्रेकअप हो गया कि कहाँ हो गया, आखिर में काहे ब्रेकअप हो गया, समर सिंह को गिरफ्तार चाहिए, हम मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच, गिरफ्तारी आपके कहने से गिरफ्तारी हो जाएगी? अरे भैया मेरे एफआईआर हो गए जी। हाँ ये आप जान रहे हैं कि यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस इज द एवरी टाइम एक्टिव। अब हमारा ये नहीं समझ में आ रहा कि यूपी पुलिस के भैया कम है, क्या समझ रहे हैं, योगी सरकार एनी टाइम बुलडोजर लेके खड़ा रहा थे। अच्छा ये बताइए कि आपकी जो फिल्म थी आकांक्षा दुबे के साथ वो रिलीज करिएगा? करिएगा भैया, अभय सिन्हा जी के बैनर पे है, वो खुद करता दिन हम करबे, बहुत जल्द करने वाले हैं वो। लेकिन सबसे पहले अब हम चाह रहे हैं कि भैया इंसाफ मिले, आकांक्षा जी को इंसाफ दिलवा दे और खुशी खुशी ये फिल्म को बैनर मिले। अच्छा एक सवाल लास्ट पूछूंगा, ये जो अगड़ी स्टार, पगड़ी स्टार, आवर स्टार, पावर स्टार, हाउस स्टार, जनरेटर स्टार, इनको क्या कहना चाहिएगा? बस हम यही कहें कि देख भाई तू भी चोली ढोंडी करके एक आध दिन के तो स्टार बना ही तू लोग, लेकिन कोई हमारा साथ नहीं दिया, ना तो कोई कोरियोग्राफर, ना कोई डांस डायरेक्टर, ना कोई डांस मास्टर, ना कोई एक्टर, कोई नहीं आया। फोन हम सभी को किए, बड़े बड़े एक्टर से डायरेक्टर तक का साथ कोई नहीं दे रहा। तो चोली ढोंडी वाले को कब जेल में डलवा रहे हैं? भैया मेरे ओके पे तो नियम लग गए ना, अगर आपको लगता है कि आपके समाज को खराब करने का ये गायक काम करा, चलिए ना आप मेरे साथ एफआईआर कीजिए ना, चलिए। अब अकेले हम एफआईआर करते रहे पता चला कि वही तो मेरा सवाल है दादा कि क्या जरूरी है इन सब चीजों में पढ़ने का, आप अच्छा खासा एक्टिंग करते, एक्टिंग कीजिए जाके बम्बई में। भैया मेरे देखिए हमारे समाज को जो बदनाम समाज, जैसे कि अभी एको मेरा भाई यहाँ से जा रहा था, ई रिक्शा रोक दिया, उसको अगर चोट लगता तो यहाँ केकरा पे क्षति होता, समीर भैया के देख रहे थे तो हमारा ठोका गया, इसलिए हम उसको बोल के साइड किए। हमारा का नाम, हम अपन समाज के देख के चलते हैं, हम अपन समाज के ना बचे भाई हो, हमारे समाज के गंदगी फैला रहा है, समाज में अभद्रता कर रहा था, हम रोक रहे हैं उसको। आए एक्टर का क्या काम है, आईना दिखाना, जरूरी नहीं है कि खाली शूटिंग में एक्शन है कट करके हम दिखा रहे हैं, समाज में आवाज उठा के भी बोलेंगे। आकांक्षा दुबे के इंसाफ के लिए आप उत्तर प्रदेश जाइएगा? जी हम जा रहे हैं, माँ से मिलिएगा, तब माँ से भी मिलेंगे और हम वहाँ भी जाकर पुतला दहन करेंगे, धरना करेंगे। जी शुक्रिया। हमारे साथ एक्टर समीर चौधरी जी मौजूद थे, आकांक्षा दुबे को इंसाफ के लिए जो है ये अभी पटना में पुतला जलाया है समर सिंह का, समर सिंह भोजपुरी के एक्टर हैं, बताया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे और समर सिंह जो कि भोजपुरी के एक्टर हैं वो दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन ये पुलिस जो है ये खबरों के अनुसार उनका ब्रेकअप कुछ दिन पहले हो गया था, उसके बाद से आकांक्षा दुबे जो है वो थोड़ी सी डिप्रेशन में थी, अब पता नहीं किस कारण से वो सुसाइड की है, सुसाइड है कि मर्डर है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, इसकी पुष्टि पुलिस करेगी जब जाँच होगी। कैसी लगी रिपोर्ट जरा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।